नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अब ये बुलडोजर चलवाना गहलोत सरकार पर भारी पड़ गया। सड़क चौड़ी करने के नाम पर रास्ते में आए प्राचीन शिव मंदिर, 300 साल पुराना ये शिव मंदिर, आप जरा सोचिए, जब इस इलाके में कॉलोनी नहीं बसी होगी तब भी ये शिव मंदिर वहीं पर था, लेकिन इस पर बुलडोजर चल गया। क्या विकास के नाम पर? इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है विकास के नाम पर मंदिर तोड़ना नाजायज है। बीजेपी ने सवाल पर सवाल दागे और सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं कर रही है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिद के गेट और बाउंड्री वॉल गिराने पर तो कोहराम मच गया था। सेक्युलर दल के तमाम नेता खड़े हो गए थे और ये कहने लगे थे कि देखिए, मस्जिद के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो मस्जिद पर वैधानिक कार्रवाई पर लाल पीले हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, आज वो एकदम चुप हैं। वही सेक्युलर नेता आज क्यों नहीं पूछते कि 300 साल पुराने एक प्राचीन मंदिर को क्यों नहीं तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया गया। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल पर्यटन पर पहुंचने वाले वो तमाम सेक्युलर नेता आज क्यों चुप हो गए हैं, क्यों वो सामने नहीं आते और क्यों नहीं कहते कि राजस्थान में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, वो सरासर गलत था, हमने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को मिट्टी में तब्दील कर दिया, आखिर क्यों हुआ। मुकाबला में आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी का करारा हमला सुनाते हैं जो संबित पात्रा ने डायरेक्ट सोनिया और राहुल गांधी पर किया। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सबके हृदय के ऊपर प्रहार है। आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करते। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार आगे बढ़ा रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई, ये तो आपने सुमित पात्रा को सुना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उल्टा बीजेपी पर पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि 2018 में अलवर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर यह अतिक्रमण हटाने की खुद ही सिफारिश की थी। जिस मंदिर की बात की जा रही है, उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही।
तो आपने कांग्रेस का भी आरोप सुन लिया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए नुपुर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अमू चूंकि इसी इलाके से आते हैं तो इस इलाके को भी वो जानते हैं और मंदिर के बारे में भी वो जानकारी रखते हैं। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप महामंडलेश्वर हैं, स्वागत है आपका नवल किशोर जी। राजेंद्र चौधरी राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना हफीज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर और साथ ही डॉक्टर तस्लीम रहमानी एमपीसीआई अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। मैं शुरुआत नुपुर शर्मा आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि सबसे पहले संबित पात्रा सामने आए, फिर उन्होंने जमकर आरोप लगाया कि जो जहांगीरपुरी की मस्जिद की अवैध बाउंड्री वॉल और दरवाजे को तोड़ने पर इतने नाराज हो गए थे, आज वो 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए पर कुछ भी नहीं कहते, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन वही डोटासरा साहब को आपने सुना, उन्होंने तो ये साफ कहा कि ये निवेदन तो खुद 2018 में किया गया था, उन्होंने तो बीजेपी पर उल्टा वार कर दिया। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। सबसे पहला चैलेंज मैं कांग्रेस के राज्य प्रदेश अध्यक्ष से ये पूछना चाहूंगी, चिट्ठी में ये दिखा दें, ये मंडल अध्यक्ष की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की, चिट्ठी में वो लाइन दिखा देंगे जिसमें लिखा है कि ये 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण के तहत आता है और इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। देखिए, अतिक्रमण तो कहीं पे भी गैर कानूनी होता है, लेकिन अतिक्रमण के अंदर मंदिर है और मंदिर को तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही है अपनी चिट्ठी में। क्या कहा उन्होंने, 15 अगस्त 2018 की चिट्ठी बताई। मैं ओपन चैलेंज देती हूं, मुझे कहीं पे भी ये लाइन दिखा दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि मंदिर अतिक्रमण, मंदिर गैर कानूनी है और मंदिर को तोड़ दिया जाए। मेरे पास राजगढ़ के अलवर के कुछ कागजात पड़े हुए हैं जिसमें जैसे ही आपका शो आगे बढ़ेगा मीनाक्षी जी, मैं कुछ ऐसे खुलासे करना चाहूंगी जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि जब हिजाब का मामला उठा जनाब, तो तुम लोगों ने सालासर बालाजी के बाहर राम दरबार के द्वार को ही गिरा डाला। और आज जब जहांगीरपुरी के मामले के अंदर लगभग 10 राज्यों के अंदर जब रामनवमी की और हनुमान जयंती की शोभा यात्राएं निकाली जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकलती, लेकिन जब ये गैर कानूनी अवैध संपत्ति के अतिक्रमण के ऊपर जब बुलडोजर चल जाता है तो तुम बदला ऐसे लेते हो कि तुम कटर से जूते चप्पल पहन के महादेव भगवान की मूर्ति को काट डालते हो और बकायदा इसके वीडियो भी बाहर जारी हो जाते हैं। मीनाक्षी जी, ये बदले की भावना है, इसे अंग्रेजी में माइनॉरिटी अपीजमेंट और वैसे इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं जो कांग्रेस वर्षों से करती आ रही है। तो कृपया करके मीडिया में प्रेस के सामने कहना अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, 300 साल प्राचीन पुराने मंदिर को किसने अतिक्रमण बोला, और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला, तो वो लाइन दिखवा दीजिएगा उनकी चिट्ठी में जिसमें ये साफ लिखा है कि ये मंदिर अतिक्रमण है, इस मंदिर को काट के गिराया जाए। नुपुर जी, हम भी वो चिट्ठी ढूंढी रहे हैं, अभी तक वो चिट्ठी किसी ने दिखाई तो है नहीं, अब देखते हैं वो चिट्ठी कब तक दिखाई जाती है। मैं इससे पहले कि हमारे बाकी मेहमानों से और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि सूरजपाल अमू उस इलाके को जानते भी हैं, इस इलाके से आते भी हैं, तो सूरजपाल जी मुझे एक बात बताएं कि वाकई में ये मंदिर 300 साल पुराना है, ये प्राचीन मंदिर है, तब तो अतिक्रमण, तो मैं ये कहूं कि उस इलाके में जब कॉलोनी नहीं बसी होगी तब ये मंदिर था वहां पर, तो आप जरा मुझे बताएं कि वैधानिकता क्या है इस तथ्य में कि ये कितना पुराना मंदिर है। मीनाक्षी, मंदिर एक नहीं, मंदिर वहां पर तीन है और तीनों शिव मंदिर हैं, और इस मंदिर के पीछे की तरह एक बावड़ी है, और मंदिर का जो शिवलिंग है वो सैकड़ों साल पुराना है, और वहां पर इस मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं, विषय यहाँ पर मंदिर को तोड़ने का तो ही है, उसके साथ साथ एक्चुअल में यहाँ के जो एमएलए हैं, कांग्रेस से एमएलए हैं जौहरी लाल मीणा का एक पुत्र है दीपक, जिसने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, उस मंदिर के आसपास के व्यापारियों ने इस विधायक के बेटे के खिलाफ एक पुलिस प्रशासन को मेमोरेंडम दिया, जिन जिन व्यापारियों ने उस मेमोरेंडम पर साइन किए उनकी दुकानें तोड़ दी, जो इनके समर्थक थे उनकी दुकानें नहीं तोड़ी गई, मंदिर तोड़ दिया गया। यह विषयों को भटकाने के लिए जब डोटासरा साहब बोल रहे थे, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, विषय कुछ और है। अब ये जो इनके बेटे के खिलाफ जो जौहरीलाल मीणा है,
ये पुस्तैनी जो हमारी इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर है, आप उनको खंडित करके उन व्यापारियों पर दबाव बना रहे और अच्छा। अपने बेटे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसके लिए भी FIR लगवा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें पॉलिटिकल एंगल है और आपने जौहरीलाल मीणा का जिक्र किया तो मुझे वो खबर भी याद आ गई और उनके बेटे का भी मुझे ध्यान आ गया। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी अब जरा मुझे एक बात बताएं कि ये 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। और नुपुर शर्मा जिस चिट्ठी की बात कर रही है, अगर वाकई में ऐसी कोई चिट्ठी है तो वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई? कांग्रेस को तो सामने रख देनी चाहिए थी चिट्ठी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस चर्चा के लिए। और बात महत्वपूर्ण यह है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है और चर्चा यह है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बात पूरी करें अपनी। हाँ ठीक है, तो उस पे 2018 में जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तो वहां उन्होंने अनाउंस किया था गौरव पद बनाने का। और उसके बाद में जो अभी बोली थी वो कि उन्होंने मंडल अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, डोटासरा जी ने भी कहा है। और अब जो बोर्ड है वहां पर, हमको समझना ये पड़ेगा कि जो नगरीय क्षेत्र होता है वहां पे म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था होती है, स्वायत्त शासी संस्था। मैं लोकल सेल्फ मिनिस्टर रहा हूं और मैं आपको ये बताऊं, ग्राम पंचायत है तो वहां पे ग्राम पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी होती है, सरपंच अतिक्रमण हटाता है, वो तहसीलदार को लिखता है और थानेदार को लिखता है। तो उनकी मदद में थानेदार भी आते हैं, तहसीलदार भी आते हैं और वो उनके पीछे होते हैं, सरपंच अतिक्रमण को डिसाइड हटाने का निर्देश देते हैं। तो अतिक्रमण हटाता है, ग्राम पंचायत हटाती है और सरपंच हटाता है। यहां पर 35 लोगों का बोर्ड है जिसमें 34 मेंबर बीजेपी के हैं बोर्ड में। उन्होंने 17/9/2021 को यह निर्णय लिया कि यहां पर हम यह अतिक्रमण हटाएंगे। और उसके बाद में उन्होंने जो है 13/4/22 को SDM को लिखा कि हमको पुलिस इमदाद कराई जाए ताकि हम यह अतिक्रमण हटा सके। तो जो बुलडोजर था वो भी नगर पालिका का था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देखने की जिम्मेदारी नगर पालिका की थी कि वहां के अधिकारी इसको देखते कि भाई यहाँ पे बद्दीर आ रहा है, इसके बारे में हम क्या करें, हम अच्छा। इसको हटाएं या नहीं हटाएं या क्या करें, बोर्ड पर ही। और उस बोर्ड में नुपुर ये बता रहे हैं कि ज्यादातर बीजेपी के ही मेंबर्स हैं, ज्यादातर नहीं, 35 में से 34 मेंबर हैं। पहली बार सुन रही हूँ, 35 में से 34 मेंबर। ठीक, मैं जरा बोल सकती हूँ मीनाक्षी जी? पहली बार सुन रही हूँ कि नगर पालिका ही बुलडोजर भी रखती है। जहां तक मुझे पता है PWD रखती है और PWD सीधा रिपोर्ट करती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार के अधीन आने वाला डिपार्टमेंट होता है PWD। दूसरी बात, गौरव पद बनाने की बात जरूर करी थी, 60 फुट चौड़ी रोड बनाने की बात जरूर करी थी, लेकिन जब जब उस पथ के बीच में 300 साल प्राचीन पुराना मंदिर का रास्ता आ गया तो उसी नगर पालिका ने, जिसके ऊपर ये ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मंडल अध्यक्ष की चिट्ठी जो दिखाएंगे नहीं, कभी नगर पालिका मंडल जो बताएंगे नहीं, तो उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा कि 60 फुट नहीं 30 फुट चौड़ी कर दीजिए, मंदिर पे आंच ना आए। तीसरी बात, जहां तक के कलेक्टर का सवाल आता है, जिसके अधीन बुलडोजर चलते हैं और अवैध संपत्ति और अतिक्रमण को तोड़ा जाता है, वो कलेक्टर या SDM या DM सीधा राज्य सरकार को ही रिपोर्ट करता है? नहीं तो बता दीजिएगा, वो बुलडोजर चलने के लिए 17/4/2022 को आपके कलेक्टर साहब क्यों अपना प्रेस नोट जारी कर रहे थे? अगर नगर पालिका मंडल ने सारा तोड़फोड़ किया है, आपको आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपके कलेक्टर का ये साइंड, शिव प्रसाद M नकाते जिला कलेक्टर अलवर के नाम का ये प्रेस नोट 17/4/2022 को कैसे जारी हो गया? बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात, इसमें सफाई क्या दी जा रही है? ये जो तीन मंदिर की बात हो रही मीनाक्षी जी, आपको आप शॉक हो जाएंगी। साफ लिखा है इसमें पॉइंट नंबर 10 में, अतिक्रमण हटवाए जाने के दौरान दो पूर्व निर्मित मंदिर पर कार्रवाई की गई,
ये कलेक्टर की प्रेस नोट बता रही है, जिनमें से एक मंदिर जो कि हाल ही में बनाया गया था पूर्णतः वर्तमान नाले के ऊपर निर्मित था। हाल में एक शिव भगवान का मंदिर बनाया गया था जिसमें पहली बार सुना है कि नाले के ऊपर शिव भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दी गई हो। आगे लिखा है, नाले पर निर्मित निजी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को स्वयं निर्माणकर्ताओं द्वारा ही अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व ही हटा लिया गया था। तो नए मंदिर में शिव भगवान की मूर्ति समय से पहले हटा दी जाए और जो प्राचीन मंदिर है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा के चप्पल जूते पहन के शिव भगवान के ऊपर प्रतिमा के ऊपर चढ़वा के आरी से काट दिया जाए, ये कैसा नहीं, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि 300 साल पुराना मंदिर आखिर अतिक्रमण हो कैसे सकता है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आऊंगी अमू साहब आपके पास। अब मुझे एक बात बताएं मौलाना हाफिज गुलाम सरवर जी कि मस्जिद की जब केवल एक अतिक्रमण की हुई दीवार टूटी थी और उसका गेट भर टूट गया था तो बहुत हल्ला मचा, बहुत हाय तौबा हुई कि आप मतलब मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वहां पर एक मंदिर भी था उसके खिलाफ भी एमसीडी कार्रवाई करने गई थी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें भी हल्ला मच गया कि देखिए मंदिर था इसलिए छोड़ दिया गया। और आज की तारीख में तो राजस्थान में एक तो 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर, वो तो अतिक्रमण कैसे हो गया ये समझ के परे है। ना सिर्फ मंदिर की इमारत ढहाई बल्कि पूरा का पूरा शिवलिंग तोड़ दिया गया। अब कोई ये नहीं कहता कि ये देखिए कितना वैमनस्य फैल गया है, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई नहीं कहता। आप कहेंगे सरवर जी? नहीं नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। देखिए दो बातें, दो मन दृश्य है जहांगीरपुरी से। एक दृश्य आया कि जब बुलडोजर चला तो जो अधिक्रमित जगह था मस्जिद तोड़ा गया, ये अफवाह नहीं फैलना चाहिए। ना मस्जिद तोड़ी गई ना मंदिर तोड़ा गया, जो अतिक्रमण किया हुआ जगह था उसे तोड़ा गया था, लेकिन मंदिर से पहले ही शायद सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बुलडोजर को रोका गया। आपत्तियां हुई और वाजिब आपत्तियां भी कही जाए कि, लेकिन एक दृश्य जो जहांगीरपुरी से आया दूसरा, कि वहां के हिंदू भाइयों ने या मंदिर मैनेजमेंट के लोगों ने स्वयं से उस अतिक्रमण को हटा लिया है, उसमें अब एमसीडी की भूमिका नहीं बची है। वो बाजाबता ड्रिल मशीन लाकर कटिंग मशीन लाकर लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था उसे हटा लिया। देखिए अतिक्रमण एक समस्या है और इसको राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। दिल्ली नहीं पूरे भारत में अतिक्रमण समस्या बना हुआ है, लेकिन जो बातें आपके द्वारा बताई जा रही है कि 300 वर्ष पुरानी यह मंदिर है इसको अतिक्रमित नहीं कहा जा सकता है। 300 वर्ष पुराने का मतलब है कि आप जो रोड बनाएंगे या जो मैप बनाएंगे वो 150 साल में आपका बना होगा, 20 साल पहले बना होगा, तो पहले ही मंदिर को आप माइनस करके चलेंगे तो वो अतिक्रमित हो ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए मौके पर जाना जरूरी है और बगैर मौके पर जाए बगैर सच्चाई समझे इस पर बहुत कुछ बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं। हाँ, एक प्रश्न जो बार बार भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है, मैं समझता हूँ वाजिब सवाल उठाया जा रहा है कि साहब अतिक्रमण के नाम पर मंदिर और मस्जिद को इस तरह से आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए बहरहाल संयम से काम लेना होगा, आपको समझना होगा, उसकी पूरी स्थिति जाननी होगी। और फिर वही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट के बगैर इंफॉर्मेशन के बगैर नोटिस के विदाउट नोटिस के आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? तो क्या उस मंदिर के समिति को कोई नोटिस दिया? इस पर तो किशोर जी मुझे और बता पाएंगे, महामंडलेश्वर हैं महंत नवल किशोर जी, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। ऐसे तो तमाम प्राचीन मंदिरों की लिफ्टिंग होगी, इसके लिए भी एक अलग बोर्ड होता होगा जहां पर मंदिरों के बारे में जानकारी अर्जित कर रखी जाती होगी। ये 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण की श्रेणी में आ कैसे गया और फिर इसे ना सिर्फ मंदिर के ढांचे को ध्वस्त किया गया, अंदर शिवलिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया? मीनाक्षी जी, ऐसा है, हम लोग चाहते हैं कि चलो विकास करो, रोड बनाओ, बना नहीं है, बनाना चाहिए, परंतु 300 वर्ष पूर्व वहाँ कोई रोड निकलेगी, वहाँ कोई ऐसा कुछ योजना होगी, एक तो इसकी कल्पना करना गलत है। 300 साल पहले तो वहाँ शायद जंगल रहा होगा या गांव रहा होगा, चलो फिर भी बहुत आवश्यक था कि मंदिर को वहाँ से हटाना था, रोड बनाना था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके सम्मानजनक पूर्वक उन मूर्तियों को अन्य किसी स्थान पर स्थापित किया जा सकता था।
यदि बहुत आवश्यकता तो, परंतु ऐसा नहीं किया गया, मूर्तियों को मशीन से काटा गया है, ये दुखद है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी पूर्व मानसिकता के कारण हिंदू समाज को लज्जित और अपमानित करने के लिए, चिढ़ाने के लिए कुकृत किया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू समाज कुछ कहेगा नहीं, रहेगा नहीं। अब मैं तो केवल इतना कहूँगा आपके माध्यम से, ये हिंदू समाज को सोचना है कि हमारी आस्था के साथ राजनीति के नाम पर इसी प्रकार से खिलवाड़ की जाएगी, या हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे। 300 वर्ष पूर्व जो मंदिर बना था, वहाँ कोई कल्पना नहीं थी कि आप वहाँ रोड बनाएंगे। मैं देखता हूँ आते जाते, आपने भी देखा होगा, कई धार्मिक स्थल बने हुए हैं जहाँ रोड घुमा दिया जाता है, हाईवे के बीच में कई धार्मिक स्थल बने हैं। मैं किसी के आस्था का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु एक तरफ आप कुछ और देखेंगे, दूसरे तो कुछ और देखेंगे, तो ये नहीं हो सकता। सभी की आस्था का सम्मान करिए, ये संविधान सबको सम्मान करने के लिए बनाया गया है। तो राजनीतिक हीनता के कारण राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है अलवर में, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और फिर भी कहता हूं कि बहुत आवश्यकता बनाना तो स्थानीय लोगों से बात करके सम्मानजनक पूर्वक उन मूर्तियों को कहीं स्थापित किया जा सकता था। बिल्कुल, फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, मूर्ति काट दी गई है, ये बहुत बड़ा अपमान है। और हिंदू समाज को, मीनाक्षी जी, हिंदू समाज को इस प्रतिशोध का बदला लेना चाहिए। हिंदू समाज को घर से बाहर निकल करके स्थानीय प्रशासन से बदला लेना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की? हाँ, मूर्ति काट दोगे, हाँ मूर्ति उखाड़ के फेंक दोगे मंदिर के नाम पर? ये नहीं हो सकता। आपको मंदिर बनाना था, आपको ठीक है मां मंडलेश्वर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कहा कि ये आस्था का अपमान हुआ है और चिढ़ाया गया है और साजिशन किया गया है। तस्लीम रहमानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमानी जी, आपका पक्ष इस पर क्या है? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका बदला लिया जाएगा। मीनाक्षी जी, बड़ा बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और हम लोग का तो खैर छोड़िए, हम लोग तो मलिच है, लेकिन बाबर और औरंगजेब के दौर में ये देश जी रहा है पिछले 8 साल से, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ 100 करोड़ हिंदुओं को अपना त्यौहार बनाने की इजाज़त रही है, उनको अपने मंदिर रखने की इजाज़त रही है। 300 साल का पुराना मंदिर तोड़ देने की जुरत भारत में? अब ये मुझे अतिक्रमण का मतलब पता नहीं क्या होता है, गालिबन कब्जा इसको कहते हैं, कब्जा करना। तो कब्जा तो यहाँ 500 साल पहले भी हुआ है, लेकिन अभी तो ये 300 साल पुराना, लेकिन जुरत अभी देखिए हमारे आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? तस्लीम जी, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही, कैसे कह रहे हैं? नहीं, मुझे मैं समझाता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि 8 साल से, 8 साल से ये देश दोबारा से औरंगजेब और बाबर के जमाने में वापस पहुंच गया है, और 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रहा है ये देश। मीनाक्षी, मेरी आपत्ति है इस पर। ठीक है, 100 करोड़ हिंदुओं को इजाजत नहीं है अपने शिवरात्रि के जुलूस निकालने की, रामनवमी के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। मंदिरों को शहीद किया जा रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। मैं मुझे एक बात बताइए तस्लीम जी, की बातें भारत देश का, मुझे लग रहा है ये 8 साल में इस देश को क्या हो गया? ठीक, ये तस्लीम रहमानी जी का पक्ष है, मुझे इस पक्ष में तंग ज्यादा नजर आ रहा है। सूरजपाल जी, मैं इसमें इसमें सच्चाई है, आप पूछिए, ये नूपुर जी भी कह रहे हैं, ठीक है, महामंडलेश्वर जी भी कह रहे हैं, ये करनी सेना के लोग भी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। अभी अभी तस्लीम रहमानी जी ने कहा सूरजपाल जी कि इस देश में बीते 8 साल से औरंगजेब का शासन चल रहा है, हिंदुओं को अपनी बात कहने का हक नहीं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल नहीं सकते, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये मुझे उनके बात में तंज नजर आया, अब आप जवाब दें। मैं समझता हूँ तस्लीम रहमानी साहब की इस उम्र में है ना, जो याददाश्त कमजोर हो गई है, देश में नरेंद्र मोदी का राज है, 8 साल से नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री है। जिस बाबर और औरंगजेब की बात कर रहे हैं ना, उनकी नजायज़ औलाद ये लोग हैं। आज इनको नरेंद्र मोदी में औरंगजेब बाबर नजर आता है, आज ये हमारे ऊपर ताने कस रहे हैं, या शफीक उर रहमान के ऊपर क्या कहेंगे, ये तौफीक रजा के लिए क्या कहेंगे, आज हमारे ऊपर ये हमारे ऊपर टोंट कस रहे हैं। अरे तस्लीम साहब, आप ही थे
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया, आप भी थे जो टेलीविजनों पर रहे और आज हमको आप टॉन्ट कस रहे हैं। आपको औरंगजेब बाबर की सरकार दिखाई देती है, आप लोग उनकी नाजायज औलाद हैं। आप हिंदुस्तान में आकर हमारे ऊपर नमक चढ़ा रहे हैं, हमारे जख्मों पर। सूरजपाल जी किस तरीके की शब्द आप कैसे रखो मीनाक्षी जी, ये देश के प्रधानमंत्री को बाबर औरंगजेब कहेंगे क्या? ये देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलेंगे? इनसे पूछिएगा। देखिए आपत्ति आप उनके शब्दों पर बिल्कुल जताएं, मुझे उस पर भी आपत्ति है, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुझे उस पर भी, मुझे इस तरीके की शब्दावली कतई पसंद नहीं है। ये ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। लेकिन रहमानी जी वो ये कह रहे हैं, परंतु आपको औरंगजेब आपको औरंगजेब बाबर पसंद है क्या? नहीं नहीं कतई नहीं, कतई नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए कतई ये बात सुनना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो भी कतई ठीक नहीं। मैं आ रही हूं नूपुर आपके पास, लेकिन मुझे लगता है तस्लीम जी को काउंटर करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं आ रही हूं नूपुर, एक मिनट तस्लीम जी। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के पास इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ये सब ये शब्दों के अर्थ को समझे। मैंने कहीं मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने कहीं बीजेपी का भी नाम नहीं लिया, मैंने तो ये कहा कि ये दौर और दोबारा से पढ़िए कि पिछले आठ साल से ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा से हम औरंगजेब और बाबर के जमाने में चले गए। और क्या ये सही नहीं है? सुबह दो शाम को चार बजे हमको नहीं लगता, आपको लगता है? हमको नहीं लगता, आपको लगता होगा। मीनाक्षी जी अगर नहीं लगता होता तो शाम को 4 बजे से रात को 11 बजे तक इस देश का सारा मीडिया पूरा नेशनल नेटवर्क सिर्फ एक बात करते हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस देश में धार्मिक जुलूस निकालने की हिंदुओं को इजाजत नहीं है, क्या ये नहीं कहा जा रहा है? अगर यही कहा जा रहा है तो मैंने क्या गलत कहा? क्या गलत कहा है मैंने? अगर आप सबको यही सीखा है तो यही तो मैंने कहा है। मुझे प्लीज, ये आपकी बुद्धि है। आपने अपनी फिर से वही उन्हीं बातों को दोहराया नुपुर जी, वो फिर दोहरा रहे हैं कि देश में हिंदुओं को आजादी नहीं रही। अरे अगर आपको लगता है कि बाबर वापस आ गए तो आपको तो खुश होना चाहिए। प्लीज मीनाक्षी जी, मैं किसी के ऊपर नहीं चिल्लाई, बौखलाए ना, आपको तो खुश होना चाहिए। आई एम सॉरी मीनाक्षी, मीनाक्षी आई एम वेरी सॉरी, ये तरीका नहीं, आपको चुप करना पड़ेगा। ये भी कहा वो आप में से अभी इनकी चोरी पकड़ूंगी ना, तभी तो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, वरना मैं चिल्लाऊंगी पूरी डिबेट में। सभी क्या ना, आप बोलने नहीं देंगी तो यही होगा फिर। आप सब अपनी बारी पर बोले वो बहुत अच्छा लगेगा। रहमानी जी का हाल तो ये उंगली पकड़, उंगली दोगे सीधा गला पकड़ लेंगे, इसलिए एक ही बात को 4 बार दोहराने का मौका नहीं देना चाहिए। सैकड़ों डिबेट पर देख लिया इनके साथ बैठ के मैंने, अगर इनको लगता है बाबर का राज आ गया इनको तो खुश होना चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रही मीनाक्षी जी, मेरे साथ ही डिबेट में बैठ के कह रहे थे, और जब मामला सब जुडिस था राम भगवान मंदिर निर्माण का, क्या कह रहे थे? तुम 5 लाख हिंदू इकट्ठे करोगे तो 25 लाख मुसलमान लेके मैं पहुंचूंगा। सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध राम भगवान मंदिर निर्माण का अयोध्या जन्म भूमि के अंदर इसी तस्लीम रहमानी ने किया है, तो इसको तो खुश होना चाहिए। क्यों इतना दुखी साउंड कर रहे हो आप? और मलेच आप नहीं, काफिर तो हमें, दिक्कत नहीं पकड़ी आपने मीनाक्षी जी? दिक्कत असल में ये है कि भगवाधारी हमारे बाबा महाराज योगी आदित्यनाथ जी आज की तारीख में दोबारा पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। दिक्कत यही है, जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे पत्थरबाजी करी थी कि नहीं करी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब जेल के पीछे सराखों के पीछे रहे। अब मैं आपको बता दूं दिक्कत इनकी यही है, अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम राम नवमी के दिन जुलूस निकालोगे? करौली करके दिखा दिया। अरे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हनुमान जयंती के ऊपर शोभा यात्रा निकालोगे, मस्जिद के सामने निकाल के लेके जाओगे? लो मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, लो मैं वैसे तो सारा दिन रोता हूं पेट्रोल महंगा हो गया, उसी पेट्रोल का बम बना के तुम्हारे खोपड़े में मारूंगा। अरे पुलिस, मोदी सरकार की पुलिस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम पे कार्रवाई करो? लो मेधालाल को गोली चला के उसको घायल कर दूंगा। आप समझ नहीं रही, मलिए विक्टिम कार्ड तो ड्रामा है,
हमें काफिर समझा जाता है, इसलिए 10 राज्यों के अंदर इनकी जड़ यही है कि भगवादारी। आज के जमाने में सत्ताधारी, मैं तो सेवाधारी कहूंगी, मैं उस पार्टी से आती हूँ जो सेवाधारी है, लेकिन इनके दिमाग में आज भी मैं काफिर हूँ, इसलिए इनको ये ललकार लगती है कि मस्जिद के सामने मेन पब्लिक रोड के अंदर हिंदुओं की इतनी औकात हो गई कि जय श्री राम के नारे लगा दे, नहीं तो ये बंदूक उठा लेंगे। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, तुम्हारे हाथ में पत्थर है तो हमें मत गलत ठहराइए, जिसके हाथ में पत्थर है उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है नुपुर जी, हाफिज जी अपनी राय इस पर रखना चाहते, हाफिज जी मैं सीधा आप ही के पास आती हूँ, बताएं किसका शासन है इस वक्त देश में। देखिए मैं बड़े साफ शब्दों में बता दूं कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहां न केवल न्यायपालिका विधायिका, आप जहां भी जाएंगे धर्म शब्द आते ही, आस्था आते ही मान भी साथ में जुड़ जाता है। अब कोई किसी पर व्यंग करे, कोई कुछ उसके जवाब में कुछ भी कहे, बहुत सारी बातें अभी भाजपा प्रवक्ता ने भी रखी हैं, आपत्ति तो बहुत सारे शब्दों पर है, लेकिन ये डिबेट जहां से चला था वहां से हटता चला जा रहा है। ये बात पूछनी चाहिए कि क्या बातें सुनाना, पुरानी जगह है 300 वर्ष, और अगर है तो फिर किसने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों देश को रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई से हटाकर मंत्री में क्यों उलझाया जा रहा लगातार। और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब कांग्रेस भी, और कांग्रेस अब नहीं पहले भी धर्म की राजनीति। अच्छा हफीज जी, आपकी आवाज बार बार बीच में कट रही है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक करवाती हूँ। राजेंद्र चौधरी बार बार कुछ दिखाना आप चाह रहे हैं, अभी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कैमरे पर दिखा नहीं पा रहे हैं। चौधरी साहब कुछ तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आप ये क्या बताने का प्रयास कर रहे थे जरा दर्शकों को बताएं। कौन सी तस्वीर आप क्या अपने फोन पे दिखा रहे थे, वो क्या वीडियो दिखा रहे थे, क्या था? नहीं, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वो आपके लिए नहीं था, इस चर्चा से जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, मैं इससे संबंधित कोई बात नहीं थी, मैं और किसी से बात कर रहा था, चूंकि वो उसमें वो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। कोई बात नहीं, हो जाता है, सभी इतनी टेक्निकल फॉर्म नहीं होते। बहरहाल नुपुर देखिए, अभी हफीज जी ने कहा कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए दरअसल ये प्रयास किया जाता है, क्या आपको लगता है वाकई में ये मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, या फिर इसका दूसरा पक्ष ये भी कि मंदिर टूटता है तो इतनी हाय तौबा नहीं मचती है, जो बात अभी महामंडलेश्वर जी ने कुछ देर पहले कही थी कि हिंदू समाज दरअसल जागृति नहीं है, वो बोलता ही नहीं है। देखिए मैं मेरे हिसाब से मेरे को आप बोलने देंगे नहीं, मैं चौधरी जी आपके पास आ रही हूँ, मैं नुपुर का बयान लेके मैं आप ही के पास आ रही हूँ। नुपुर मैं आपको इतना कहूंगी मीनाक्षी जी, ये सवाल तो उनसे पूछिए ना जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों को करिए, आप सारा दिन सवाल उठाइए, पत्थर क्यों उठा लिए, सवाल उठाने की जगह पत्थर उठा लिए, कट्टा उठा लिया, बंदूक उठा लिया और पेट्रोल बम उठा लिया। अरे पेट्रोल को बचाइए, आपको महंगाई बहुत लग रही है, उठा आप रहे हैं, सवाल हम पे आ गया जी, आप क्यों उठा रहे हैं, मस्जिद के अंदर 15 तारीख की रात को मस्जिदों का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है आजकल मीनाक्षी जी, उठा ली, कोई झंडा नहीं लगाया, झूठ बोलेंगे तो आपके ऊपर हो जाएगा अभी केस। हमारे पुलिस कमिश्नर ने बिल्कुल साफ कह दिया है, झूठे कहीं के ना ये पत्र दिखा पा रहे, ना ये वीडियो दिखा पा रहे, ना ये बोल पा रहे, ये सब कह रहे, डरा रहा है हिंदू मुसलमान, डर गया, इतना डरा हुआ है कि बॉम्ब फेंक रहा है, इतना डरा हुआ मुसलमान है कि मस्जिद के अंदर सैकड़ों पत्थर इकट्ठे कर दिए, इतना डरा हुआ बंदूक उठा के मेधा लाल सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी, जहांगीरपुरी में कुछ हुआ या खरगोन में कुछ हुआ या किसी और राज्य में कुछ हुआ, राजस्थान में मंदिर क्यों गिरा दिया गया चौधरी जी? अब देखिए नुपुर जी ने तमाम तथ्य भी दिखा दिए, पेपर भी दिखा दिए, और मैं आपसे पूछती रह गई, वो पेपर दिखा दीजिए जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसमें कहां ये लिखा गया है और वो कौन से ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने ये कहा आप, कि ये अतिक्रमण है 300 साल पुराना मंदिर? अरे मीनाक्षी जी मेरी बात सुनिए, आप देखिए जो मेन बात है, अब जहां तक मंदिर को तोड़ने की बात है, मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं, मैं स्वयं महादेव का भक्त हूं, और ये जो कार्य किया गया है और इसके लिए जो जिम्मेदार है म्युनिसिपल अथॉरिटी के लोग,
उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 300 साल पुराना मंदिर को इन्होंने कैसे तोड़ा, क्या ये अंधे थे क्या? ये बात देखो, ये इसको बात नहीं, को जो सूरज डाइवर्ट की जा रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये म्युनिसिपल प्रशासन का काम था अतिक्रमण हटाने का, उनको नहीं दिख रहा था क्या? उन्होंने कितना गलत काम हुआ, अब ये राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं। राज्य सरकार का इसके अंदर क्या लेन देन है? इसके अंदर सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य शासन विभाग की, म्युनिसिपल सरकार किसकी, आपकी नहीं है क्या? प्रस्ताव पारित किया था और बिल्कुल मंदिरों को तोड़ दिया था। बात बताएं, प्रस्ताव पारित किया गया गुस्से में। चौधरी साहब मेरी बात सुने, कलेक्टर का क्या रोल है? मैं ये कह रही हूँ कि चौधरी साहब, अगर मान लीजिए प्रस्ताव पारित भी कर लिया, लेकिन कलेक्टर तो थे, बाकी स्थानीय लोग तो थे, उनकी तो समझ थी। कलेक्टर साहब ये कह तो सकते थे कि भाई 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, एक बार इस पर विवेचना तो करें। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, व्यापारियों की दुकान तोड़ी गई है। मंदिर को तोड़ने की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि नहीं, आपकी निंदा करने से तो अब चौधरी साहब कुछ होगा नहीं। एक मिनट नुपुर जी, एक मिनट, एक मिनट नुपुर जी, चौधरी साहब आपकी निंदा करने से कुछ होगा तो नहीं? जो मंदिर था वो खंडित हो गया, उसे तोड़ दिया गया, तो उसके लिए अरे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, म्युनिसिपल प्रशासन के खिलाफ जिन्होंने ये तोड़ा है, उनको दिख नहीं रहा। इस्तीफा, गौरीलाल मीना का इस्तीफा मांगो, अशोक गहलोत इस्तीफा दे। मैं मीनाक्षी जी, मैं करनी सेना की ओर से मांग कर रहा हूँ, अशोक गहलोत को और जौहरीलाल मीना को इस्तीफा देना चाहिए। ये मंदिर जो तोड़ा गया है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और मीनाक्षी जी, मैं आपको पूछता कौन है? राजेंद्र चौधरी साहब, आप ना 3 में हो ना 13 में हो। अरे राजेंद्र भाई, आप ना 3 में हो ना 13 में हो, आपको कौन पूछता है राजस्थान के अंदर? ये जौहरीलाल मीना का बेटा है दीपक, उसको बचाने के लिए सारा गेम प्लान है। व्यापारियों की दुकानें तोड़ते हो आप, उनको डराते हो। अरे हाथों नहीं, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। अरे अरे वो जो बात आप कह रहे हो, अरे करो ना उसमें बात करो आप। आप क्यों नहीं कहते कि जौहरीलाल मीना के बेटे ने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, व्यापारियों ने उसका विरोध किया, आपने व्यापारियों की दुकान तोड़ी, आपने व्यापारियों की दुकान तोड़ी? नहीं तो अगर जौहरीलाल मीना, अशोक गहलोत, सूरजपाल जी, देखिए अगर व्यापारियों की दुकान अतिक्रमण के क्षेत्र में दायरे में आती थी तो वो तो टूटनी ही चाहिए थी, वो तो टूटनी चाहिए थी। मीनाक्षी जी अतिक्रमण नहीं था, मीनाक्षी जी अतिक्रमण नहीं था, उन्होंने विधायक के बेटे के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने न्याय मांगा था, इसलिए वो तोड़ दिया गया। आप ये कह रहे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, इसलिए उनकी दुकान तोड़ी गई। छोटा सा कमेंट नुपुर जी, मैं नवल किशोर जी के पास, यही यही बात है। आपके आपके एक दर्शक ने मुझे हाल ही में भी एक मैसेज भेजा है कि ये इस तरीके का अतिक्रमण का डेमोलिशन था कि हिंदुओं की दुकानें गिरा दी गई, लेकिन उसी क्षेत्र में जाकिर खान मैट्रेस एंड हैंडलूम सेंटर को छोड़ के पीछे की दुकानें गिरा दी गई। तो ये इस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये बात, यही बात है। ये कुछ भी कर ले, इनकी पार्टी में राहुल गांधी हिंदुओं को गाली आते देते आए हैं, इनकी पार्टी को हिंदुओं को, इनकी पार्टी के सलमान खुशी हिंदुओं को गाली देते आए हैं सर्वोच्च न्यायालय में। क्या बात करिए, त्रिपुंड लगा के पूजा पाठ करते हुए हमने देखा राहुल गांधी को, आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का नाम दिया हमने, तो उन्हें त्रिपुंड लगाकर पूजा पाठ करते हुए देखा। राहुल गांधी को हमने ये तस्वीरें भी देखी, बहुत बड़े धर्मात्मा है इसीलिए मंदिर तोड़वा रहे हैं, क्यों नहीं बयान देते? ठीक है महानवल किशोर जी, अब देखिए मंदिर तो खंडित हो गया, मंदिर तो खंडित हो गया, उसे दोबारा तो बनाया नहीं जा सकता। वो कितना प्राचीन मंदिर था, उसकी अपनी ऐतिहासिक महानता होगी, महत्ता होगी, लेकिन अब तो वो टूट गया, वो तो वापस बन नहीं सकता। लेकिन अब आप लोगों की मांग क्या है, इस पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए और किस पर होनी चाहिए? देखिए मीनाक्षी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने निवेदन किया है कि अतिक्रमण कोई करे वो ठीक नहीं, परंतु 300 वर्ष प्राचीन मंदिर को इस तरह से खंडित कर देना, मुझे लगता है आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ है। और इसका जिम्मेदारी एक सामान्य किसी अधिकारी को नहीं दी जा सकती। इतनी बड़ी जो घटना घटी है, मुझे नहीं लगता है कि प्रमुख लोगों के बिना अनुमति को हुई होगी। एक आप जहांगीरपुरी में जाएंगे तो लोगों ने बीच रोड पर रास्ता रोक दिया एक तरफ का, वहाँ कई राजनीतिक लोग पहुँच जाते हैं प्रतिनिधिमंडल लेकर के, और यहाँ एक 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है
और कहा जाता है कि स्थानीय अधिकारी का कर्तव्य, मुझे लगता है कि सीधे सीधे आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। आपको राजनीति करना है करो, कौन मना कर रहा है, पर आस्था के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करोगे तो ये ठीक नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं, मैं तो कहता हूँ वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसके बिना पूछे मंदिर तोड़ दिया क्या? ऐसा आप यहाँ क्या बना रहे थे कि 300 और मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को काटा गया है, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज का, बाकी लोगों का भी जो सबकी आस्था का सम्मान करते हैं, ऐसे समस्त व्यक्तियों का आभार करता हूं कि जो संबंधित तो लोग हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई भी करोगे तो हमारी मूर्ति का क्या होगा? हमारे भगवान को जो काटा गया है उसका क्या होगा? लेकिन मूर्ति नहीं काटी आपने जी। पूरे समग्र आस्था को काटा है आपने, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इसका पाश्चात तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं पूरे आभार करता हूँ समग्र हिंदू समाज को, अन्य समाज के लोगों को भी जो सबकी सरकार में हो गया। अब दोषारोपण करने से होगा क्या, जबकि मंदिर ढह चुका है? कार्रवाई कितनी होती है हम देखते हैं, इंतजार करते हैं गहलोत सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया नुपुर शर्मा, सूरज पालामू, नवल किशोर दास जी, राजेंद्र चौधरी जी, तस्लीम रहमानी और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े सरवर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।